एक अक्टूबर से कुछ नए रूल्स लागू हो रहे हैं गाड़ियों को लेकर। अगर आप इन रूल्स को नहीं जानते हो तो लगभग 10,000 रुपये तक का चालान आपका कट सकता है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को इनके बारे में बताऊं। कुछ अच्छी खबरें भी है, वो भी आज के इस एपिसोड में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली से। देखिए, पूरे भारत के लिए खबरें हैं लेकिन भारत के लिए अपडेट्स है, लेकिन दिल्ली से हम शुरू करेंगे क्योंकि दिल्ली में बारिश के बाद भी प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए दिल्ली NCR में अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP को लागू किया जा रहा है। ऐसे में ये खास ख्याल रखा जाएगा कि वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोका जा सके। अगर आपने अपनी गाड़ी का प्रदूषण जांच नहीं कराया है या आपके पास वैलिड PUC नहीं है तो इससे मतलब इसी हफ्ते भर में अब बनवा ले, वरना 1 अक्टूबर से आपको समस्याओं मतलब आपकी जो है वो बढ़ने वाली है। ट्रांसपोर्ट विभाग के जॉइंट कमिश्नर नवलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि वैध PUC यानी कि वैलिड PUC अगर आपके पास नहीं है तो 10,000 के चालान आपके कट सकते हैं। वहीं जिन्होंने लंबे समय से गाड़ी का पॉल्यूशन जांच नहीं करवाया है ऐसे में 15,000 मतलब ऐसे जो है 15,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। साथ ही इन लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिनों के अंदर गाड़ी की पॉल्यूशन जाँच नहीं करवाते हैं तो उनके 10,000 रुपये के चालान उनके भी काटे जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गाड़ियाँ सड़कों पर हैं उनका चालान कट रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो गाड़ियाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो गाड़ियों को घर में बंद करके वो कहीं चले गए, बाहर चले गए, 2-3 साल बाद वो आ रहे, तो ऐसे में उनके पास भी क्या नोटिस आएगी? क्या उनको अपनी नोटिस के बदले में वो कुछ कह पाएंगे कि मैं बाहर था इसलिए मुझे गाड़ी में चला नहीं रहा हूं? तो गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होगी तो गाड़ी की धुआं कहां से आएगी? धुआं नहीं आएगी तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा तो PUC की जरूरत नहीं होगी, यानी कि मेरी गाड़ी चल नहीं रही है तो PUC में क्यों करवाऊँ? तो इसके लिए भी क्या कुछ सोचा जाएगा या कुछ मतलब जो भी हो इसके बारे में कुछ अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको है कुछ इस बारे में खबर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। खबरें सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर आपके पास 15 साल पुरानी कोई पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल तक आप उसे चला सकते हो, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है, इंश्योरेंस पॉल्यूशन जो भी है वो आप करवा सकते हो। 15 साल के बाद वो गाड़ी जो है इनवैलिड हो जाता है, यानी कि उस गाड़ी को आप चला नहीं सकते हो, उसे स्क्रैप करवाना होता है। स्क्रैप क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे भी कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं। अच्छा, डीजल की गाड़ी अगर आपके पास है तो ऐसे में इन गाड़ियों को 10 साल से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता है, चाहे गाड़ी कोई भी हो। हाँ, कुछ ऐसे स्टेट्स है भारत में जहाँ की रूल्स अलग अलग है तो उस गाड़ी को गाड़ी की फिटनेस आपको बनवानी पड़ेगी, यानी कि को ये प्रूफ करना होगा कि गाड़ी जो है पूरी तरह से भी सही है, इसे चलाया जा सकता है, तो उसको जो है उसकी RC को जो है कुछ दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 2-5 साल किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है गाड़ी के कंडीशन को। तो आपके स्टेट में क्या है वो आप पता कर सकते हैं। एक खुशखबरी भी है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अपनी गाड़ियों से प्यार नहीं मोहब्बत करते हैं एक अलग लेवल का। तो वो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों को बेचना नहीं चाहते हैं, वो अपने पास रखते हैं पुरानी यादों के तौर पर। तो ऐसे में अगर कोई है वो ऐसा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ये नया रूल लागू हो चुका है, यानी कि आप अपनी गाड़ी को अगर बेचना नहीं चाहते हो, कबाड़ में देना नहीं चाहते हो, स्क्रैप नहीं करवाना चाहते हो तो आप उस गाड़ी को रख सकते हो। हालांकि 15 साल बाद वो गाड़ी जो है बेच भी नहीं सकते हो, आप डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो उस गाड़ी को आप रख सकते हो घर में सजा के, लेकिन उस गाड़ी को आप सड़क पर लेकर निकल नहीं सकते हो। अब ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, तो क्या मैं इसे नहीं चला सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि उस गाड़ी की जो है हो सकता है उस गाड़ी से सिर्फ आपकी नहीं दूसरे लोगों की जान भी जो है खतरे में है। आप कह रहे हो कि आपकी गाड़ी अच्छी है लेकिन ये प्रूफ करना होता है और सरकार जो है इस चीज़ को नहीं मानती है। अच्छा, स्क्रैप का मतलब है कि आप अपनी गाड़ी को दोगे स्क्रैप वालों को, तो वो लोग क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनवाएंगे। एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन की हुई होगी कि आप इस गाड़ी को हमें दे रहे हो, इतने रुपए में दे रहे हो, आपने जो चीज़ें इसमें अलग से लगाई हुई थी वो आप निकाल सकते हो, वो सब कुछ अलग से है, वो आप जो चाहे वो करवा सकते हो, उसके हिसाब से जो है पैसों की मतलब आपको उतने पैसे मिलेंगे। अब वो लोग इस गाड़ी का क्या करेंगे, तो देखिए उस गाड़ी के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स निकाल लेंगे, जैसे कि और भी उस मॉडल की कोई दूसरी गाड़ी है स्पेयर पार्ट वो लगाने में उससे जो है उसमें जो है बनवाने में या तो फिर नए लगाने में ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, तो ऐसे में ये स्क्रैप वाली जो चीज है वो उनमें जाएगी, यानी कि चीजों को निकाल के बेच दिया जाएगा। लेकिन आपके गाड़ी का एक चेचिस नंबर होता है, वो नंबर जो है उसको काट कर वो लोग आपको देंगे, ये एग्रीमेंट में आपको मेंशन करना होगा। एग्रीमेंट की एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कॉपी उनके पास रहेगी, और ये जो चेचिस नंबर आपको जब मिल जाएगा तो RC ओरिजिनल RC जो है आप उनको भी दोगे, RC की कॉपी ओरिजिनल RC के साथ में ये चेचिस नंबर आपको ले जाके RTO में सबमिट करना होता है, यानी कि आपकी गाड़ी की चीजें खुलकर बेचे जाएंगे, जो जरूरत की चीजें हैं जो दूसरे के काम में आ सकते हैं, इसको कहते हैं स्क्रैप।
अगर आपके पास कोई 15 साल पुरानी गाड़ी है और वो गाड़ी किसी पार्किंग में खड़ी है तो भी उस गाड़ी को जो है आरटीओ वाले उठवा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए इस तरह की गाड़ियों से जल्दी छुटकारा पा लेना ही बेहतर होगा। फिलहाल आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।